थाना सदर जलालपुर पीरोवाला के इलाका अड़सठ चक परमट रोड पर नामालूम मुसल्या डाकू का पुलिस पर हमला। हमला के दौरान जेरे हिरासत डाकू मुलजिम फिदा हुसैन वल्द अकबर अली कौम खोखर सकना 3 MR अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हुसैन। जी बिल्कुल, थाना सदर जलालपुर पीरवाला के इलाका 66 चक परमट रोड पर नामालूम मुसल्ला डाकुओं का पुलिस पर हमला। हमला के दौरान जेर हिरासत डाकू मुलजिम फिदा हुसैन वाल्द अकबर अली कौम खोकर सकना 3 MR अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक होने वाले मुलजिम को दौरान रिमांड पुलिस की हिरासत में रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मोटरसाइकिल पर सवार चार नामालूम मुसल्ला अफराद ने अपने साथी को छुड़वाने की गर्ज से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हक के हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत डाकुओं पर इक्का दुक्का फायरिंग की। काफी देर तक फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। फायरिंग के दौरान हमला करने वाला नामालूम डाकू रात का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहजाद 1451C जख्मी हुआ और पुलिस की गाड़ी में भी शदीद मुतासिर हुई। दीगर पुलिस मुलाजमीन ने गाड़ी की ओट में जमीन पर लेटकर जान बचाई। इलाके की नाकाबंदी करवा दी गई है और फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हलाक मुलजिम राजनी और राबरी मुआकतल के कई संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। हलाक मुलजिम ने चंद माह केबल कादरपुर रामा के इलाका में अपने साथियों के साथ मिलकर राबरी की वारदात के दौरान मुजामत पर फायरिंग करके कमसन बच्ची की जान ली थी। वकुआ की इतलात पर तमाम सीनियर अफसरान मौका पर पहुंच गए हैं। जी